हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वो आपको कितना ट्रस्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको कितना विश्वास करते हैं या आप पर कितना विश्वास करते हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कितना ट्रस्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स इज अवर फर्स्ट कार्ड। द चैरियट, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। नाइस। तो चलिए पहले अरेंज करते हैं कार्ड्स को। ओके, आई होप कार्ड्स विजिबल हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है, ऐसा लगता है कि उतना ही ट्रस्ट या उतना ही विश्वास भरोसा आप पर करते हैं जितना आप इन पर करते हो। ये दोनों तरफ से म्यूचुअल लगता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों का इनपुट और आप दोनों का एफर्ट, आप दोनों का इंटरेस्ट इस कनेक्शन में बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही है। तो जितना आप इनके लिए फील करते हैं, जितना आप इनके लिए महसूस करते हैं, जितना प्यार आप करते हैं इनसे, उतना ही प्यार ये आपसे करते हैं। और अगर आप ट्रस्ट की उसमें देखोगे तो ऐसा लगता है कि ट्रस्ट भी ये उतना ही करते हैं आपको, जितना ये उतना ही करते हैं जितना आप इन पे करते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको एक हायर पोजिशन पर देखते हैं, एक अच्छी पोजीशन पर देखते हैं। जब वो अपने आप से कंपेयर करते हैं आपकी पोजीशन को, तो उनको लगता है आप एक हायर पोजीशन पर हो, आप एक बेटर प्लेस पर हो, एक बेटर इन्वायरमेंट में हो, प्लेस में हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर जगह पर वो देखते हैं और अपने आप को वो उस बेटर जगह पर नहीं देखते। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जैसे कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ कम मानते हैं आपसे। उनको लगता है कैपेबिलिटी में, पावर में, कॉन्फिडेंस में, लुक्स में, किसी चीज़ में तो वो आपसे कम है। इसीलिए ऑलरेडी आपकी पोजीशन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं ना कहीं आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो भी बहुत इमेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है व्यूअर्स की कहीं ना कहीं आपको जिस रिस्पेक्ट के नज़र से देख रहे हैं, जिस हायर पोजिशन पर रख के देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपकी जो बात है या आप जो कहते हो वो बहुत वैल्यूएबल है उनके लिए। इसीलिए डेफिनेटली वो आपका विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि आप मैनिपुलेट करते हो, झूठ बोलते हो या बातें घुमाते हो। उनको लगता है दैट यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्टी का तो मैं इतना नहीं, पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा है, ऑनेस्ट भी हो सकते हैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में एक ही बात हो गया ये। तो आप क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और क्योंकि आप एक हायर पोजीशन पर हैं और अब वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी वजह से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो नहीं सोच सकते कि आप कुछ ऐसा करोगे जो गलत है, इसीलिए वो आप पर विश्वास कर पाते हैं। यहाँ पर ये भी कारण एक नज़र आता है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं करेंटली, और ये आप ही की दिशा में बढ़ रहे हैं, आप ही की तरफ मूव कर रहे हैं और बेफिक्र होकर मूव कर रहे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कल को आप उनका विश्वास तोड़ दोगे या नहीं, या उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है, चिंता नहीं होती है कि आप अगर बदल गए तो, या आपका बिहेवियर बदल गया तो, या आपने चीट कर दिया तो, उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है। वो तो फियरलेसली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं या आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिस दिशा में आप हो वो उसी दिशा में मूव कर रहे हैं फियरलेसली, बिना डरे आप ही की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, कल्चर अलग है, फाइनेंशियल कोई गैप हो सकता है, या कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है आप लोगों का बहुत, एक थोड़ा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन का है, एक थोड़ा डस्की कॉम्प्लेक्शन का है, ये भी हो सकता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, या ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता बहुत सारी ऐसी चीजों से जो जो बाकी लोगों को अफेक्ट करती हैं। यानी कि अगर इनको कोई इन्फ्लुएंस भी करता है आपके खिलाफ, तो भी ये किसी की बात का विश्वास नहीं करेंगे या आपकी बात का ही विश्वास करेंगे। अगर दूसरे लोग इनको भड़काएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे या कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे आपके बारे में व्यूअर्स, कुछ नेगेटिविटी भी अगर इन्हें आपके बारे में सुनने को मिलेगी, तो भी ये उसका विश्वास नहीं करेंगे। ये आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे और आप ही की डायरेक्शन में मूव करेंगे। यस, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लगता है। यहां पर मैजिशियन का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि इन्होंने आपको चाहा है, आपको मांगा है, यूनिवर्स से मांगा है, आपको ईश्वर से मांगा है आपको, तो उनको ऐसा कभी लगता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से खुद भी आपको चीट कर सकते हैं या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी विश पूरी करने के लिए किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, वो उस इंसान के साथ कभी गलत नहीं करना चाहेगा, इंटेंशनली तो नहीं करना चाहेगा। तो ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये तो अभी भी आपको अपनी लाइफ में ही मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे शादी के लिए या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, अभी भी आज भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये आपके पास आना तो बहुत फास्ट एनर्जी में चाहते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशंस की वजह से, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस, कुछ करियर रिलेटेड सिचुएशंस की वजह से धीरे धीरे आपकी तरफ मूव करते हैं। यस, यहां पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे। या स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। यहां पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जितना प्यार आप इनसे करते हो, ये उतना ही प्यार आपसे करते हैं। दे लव यू इक्वली, उतना ही इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड है इमोशनली इस कनेक्शन में आपके पर्सन, जितना आप इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हो। यहां पर अर्थ साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है। तो आप या आपके पर्सन अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन हो सकते हैं। डेविल का कार्ड यहां पर आ गया। मुझे ऐसा लगता है यहां पे कि कुछ नेगेटिविटी भी है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये बात मैंने अभी कही भी थी आपके बारे में या आपके अगेंस्ट, कुछ लोग इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादा किसी की बात से अफेक्ट नहीं होते हैं। स्टिल उनको गुस्सा आता है, उनको बुरा लगता है, दे फील बैड, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके बारे में कुछ गलत बोले या कोई आपके बारे में कोई गलत बात सोचे या रूमर्स की तरह फैलाए या गॉसिप करें, उन्हें अच्छा नहीं लगता। या ऐसा लगता तो है यहाँ पर कि कोई है जो इस रिश्ते को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, कोई है जो आप लोगों का साथ नहीं देखना चाहता या आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। देयर इज समवन, कोई जेलस हो सकता है इस कनेक्शन से, चांसेस हैं इस चीज के। यस, यस, आइए और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐसा लगता है कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, और वो उसी वजह से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ऐसा लगता है। यस, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ डिटेल में सोच रहे हैं, डीप लेवल थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई डिसीजन लेना है लेकिन अभी डिसीजन लिया नहीं है। ये विश्वास करते हैं व्यूअर्स आपका, क्योंकि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी बात की बहुत वैल्यू करते हैं, और अगर आपको जानना है कितना आप पर ट्रस्ट करते हैं तो ये आप पर उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना आप उन पर ट्रस्ट करते हो। हो सकता है कि आप ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी फील्ड में, किसी एक चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है टीचर है, या टीचिंग कभी की है, या फैमिली में कोई टीचर है, हो सकता है कभी किसी को पढ़ाया हो, ये खुद किसी सब्जेक्ट में, खुद किसी एरिया में, किसी सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा हो सकता है। यस, जैसे मैथ्स है या कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, ये स्मार्ट लगते हैं, बहुत दिमाग से सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं कहूँगी मैं इस इंसान को, लेकिन आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन नेचर वाइज मैं इस इंसान को ज़्यादा इमोशनली सोचता हुआ नहीं देख रही हूँ। ओके, हो सकता है व्यूअर्स रिसेंटली आपके कनेक्शन में कुछ एंड हुआ है, कुछ समाप्त हुआ है, कुछ खत्म हुआ है और एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस नई शुरुआत के बारे में कुछ सोच रहे हैं। या हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, या बातचीत बंद हुई, या सेपरेशन हुआ, कुछ हुआ, कुछ एंड हुआ है, या कोई साइकिल एंड हुई है, कोई फेज एंड हुआ है, और अब वो न्यू फेज के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा डिसीजन लेना है। लोग उनको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, या जो लोग जेलस हैं, या जो लोग थोड़े इनसिक्योर हैं, वो लोग ही यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इरिटेट होते हैं, लेकिन उनका विश्वास आपसे कम नहीं होता, उनका विश्वास उतना ही स्ट्रांग रहता है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, किसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कुछ ऐसा पता लगेगा जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर वो अपना निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स। कुछ आपके साथ कमिटमेंट, कोई रिश्ता, कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हैं। यस, ऐसा भी लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत अपने पैशन को और बहुत अपने केमिस्ट्री को, जो अट्रैक्शन फील होता है उन्हें आपके प्रति, आपकी तरफ, उसे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जितना अट्रैक्शन उनको आपके लिए फील हो रहा है उतना तो वो शो नहीं कर पा रहे हैं आपको। तो हो सकता है आप लोगों के बीच कोई सेपरेशन या कोई ब्रेकअप या कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच एक साइलेंस है, एक ऑकवर्ड साइलेंस है आप लोगों के बीच, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन एक राइट टाइमिंग का, राइट इन्फॉर्मेशन का, राइट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। या क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, मैं हमारे कनेक्शन को समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ। तो अब व्यूअर्स वो आपके रिश्ते को समझने लगे हैं, आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कितना प्योर है, कितना डीप है, कितना स्ट्रांग है, अब वो समझने लगे हैं इस बात को। योर काइंडनेस हील्स मी, कहीं ना कहीं आप बहुत फॉरगिविंग हो, बहुत काइंड हो, तो आपका जब वो काइंड नेचर देखते हैं, या ऐसा देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा साफ दिल के हो,
तो व्यूअर्स उस बात से उन्हें बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे आप उन्हें पीछे छोड़कर कहीं आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप आगे बढ़ रहे हो और उनके बारे में नहीं सोच रहे हो ज्यादा, क्योंकि कुछ एंड हुआ है और आप मूव ऑन कर सकते हो, आपके पास चांस है। तो आप कभी कभी वो सोचते हैं कि आप उनको पीछे छोड़कर कहीं आगे तो नहीं निकल जाओगे, ऐसा। Do you love me the way I love you? पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप भी मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसे मैं आपसे करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।